गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस एनालिसिस। तो शुरू करते हैं डायमेंशंस एनालिसिस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? ठीक है, तो पिछली बार हमने पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। तो अब आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यूजेस, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, तो इसकी यूजेस, डायमेंशन एनालिसिस के यूज से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग इसका ये पढ़ेंगे, टू चेक द करेक्टनेस फिजिकल इक्वेशन, ठीक है? इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इफ डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि अभी इसको हम करके दिखाते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे v equals to u plus vt, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पढ़ाई होगा आपने पिछले साल, ठीक है? तो शुरू करते हैं। जैसे अभी हम लोग इसको MLT के फॉर्म में लिख देंगे, MLT आपको याद होगा, अगर नहीं आता है तो कृपया आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए। चल, लिख दिया। अब इसको MLT की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इनके डायमेंशंस हम लोग लिखेंगे, ठीक है? तो इसमें देखते हैं MLT की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। इसमें जैसे इसका m 0 होएगा, l क्या होएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो जैसे 1 इस h 1 रहेगा और t माइनस 1, ठीक है? यू के लिए भी ये लिख देते हैं, और एंटी ए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टी, टी मतलब टाइम, ठीक है? तो इसको भी आगे वही कंटिन्यू करते हैं, एम कुछ नहीं है तो एल टी माइनस वन, एम यहाँ पे जीरो था, इसको भी वही लिख देते हैं, मीटर एल अपॉन टाइम स्क्वायर, तो ये टाइम टाइम कट और ये क्या बन गया, प्लस एल अपॉन टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारे टर्म, इच टर्म्स आर सेम, तो इसे क्या प्रूव होता है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो अगर ये दोनों आर एच एस और एल एच एस अगर इक्वल है तो ये हमने कह दिया कि ये इक्वेशन मतलब करेक्ट है, तो इसे हम लोग ने चेक कर लिया इसका करेक्टनेस, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हम लोग ने पढ़ लिया फर्स्ट यूजेस